हेलो स्टूडेंट, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। जैसा कि मैं बता रहा था कि आप लोगों का क्लास स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का आज तीसरा क्लास है, और इस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे कमांड किए हैं लास्ट सेशन में, जिसमें कुछ कमांड्स जैसा कि हमने बताया था कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में DDL जिसको आप कहते हैं, उसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था क्रिएट कमांड किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट ए डेटाबेस ऑफ ए टेबल, और उसके बाद हमने लास्ट क्लास कमांड किया था अल्टर कमांड विच इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल। साथ ही साथ इस अल्टर कमांड के साथ हमने बहुत सारा क्लाउज बताया था, मॉडिफाई क्लाउज, ऐड क्लाउज, ड्रॉप कॉलम क्लाउज। इसके थ्रू आप नया फील्ड ऐड कर सकते हैं, फील्ड जो बनाया उसमें उसके डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, उसके साइज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या किसी कॉलम को ड्रॉप कर सकते हैं। ये कमांड हमने बताया था लास्ट क्लास, साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल बताया था। आज कुछ और कमांड DDL का बताएंगे, आप सही से देखेंगे आप सभी। ये ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कशन किया था DDL के बारे में, जिसमें हमने डिस्कशन किया था क्रिएट टेबल कमांड। दोबारा आप देखिए, क्रिएट टेबल कमांड के बारे में हम लोगों ने सिंटेक्स बताया था, क्रिएट टेबल कमांड के बारे में लिखवाया था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम, डेटा टाइप, साइज, जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं, ठीक है। ये कमांड भी हम लोगों ने लास्ट क्लास किया था डिस्क्राइब कमांड विच इज यूज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। जैसे आप कोई टेबल बना लिए हैं, उस टेबल का स्ट्रक्चर आप जानना चाहते हैं, तो हम लोग डिस्क्राइब कमांड यूज करेंगे। ये दो कमांड ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन किया है। आज नया कमांड एक और बताने जा रहे हैं, दैट कमांड इज कॉल्ड ड्रॉप कमांड। सपोज कीजिए कि आप किसी टेबल को आप नहीं रखना चाहते, इफ यू वांट टू डिलीट द होल टेबल विद देयर स्ट्रक्चर, पूरा डिलीट कर देना चाहते हैं, तो हम लोग एक कमांड यूज करेंगे, ड्रॉप कमांड। द सिंटेक्स इज ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम। इस कमांड से हम इस टेबल को डिलीट करेंगे। नेक्स्ट कमांड है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड एक्चुअली क्या करता है कि अगर आपका कोई डेटाबेस है, आप उसमें बहुत सारा रिकॉर्ड है, आप चाहते हैं उसका रिकॉर्ड, जितना सारा रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर रहे, तो हम कमांड यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड। देखिए, ट्रंकेट इज यूज फॉर डिलीटिंग ऑल रो फ्रॉम अ टेबल, जितने भी रो है उसको डिलीट करने के लिए हम लोग ट्रंकेट कमांड यूज करेंगे, एंड द कमांड इज ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम ये क्या करेगा कि आपका जितना भी टेबल के अंदर जितना रिकॉर्ड है सबको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट कमांड है रीनेम कमांड। सपोज कीजिए कि आप पहले उस टेबल का नाम स्टूडेंट रखे हैं, आप चाहते हैं उसका नाम टीचर हो जाए, या कोई भी नाम चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग कमांड यूज करेंगे रीनेम कमांड। तो इफ यू वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ द टेबल और डेटा बेस, यू कैन यूज रीनेम टेबल नेम, ओल्ड टेबल नेम, एंड देन न्यू टेबल नेम। तो ये आपका कमांड्स, आपको रीनेम कमांड से आप किसी भी टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर जो भी हमने डेटा डेफिनेशन कमांड जो यूज़ किए हैं, उसमें हमने क्या क्या सीखा, क्रिएट कमांड, अल्टर कमांड, ड्रॉप कमांड, ट्रंकेट कमांड, रीनेम कमांड। दिस ऑल कमांड्स कम्स अंडर DDL। अब मैं इसका आपको प्रैक्टिकल बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे टेबल। उससे पहले हम लोग ओरेकल अपना सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि आप जानते हैं कि ओरेकल लोड करने के लिए आपको स्कॉट एंड टाइगर यूज करना पड़े, हमेशा याद रखिएगा स्कॉट एंड टाइगर। ये आपका प्रॉम्प्ट एसक्यूएल प्रॉम्प्ट स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं और वन बाई वन करके आपको बताएंगे, क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन। इसमें सपोज कीजिए हम फील्ड लिख रहे हैं रोल नंबर, साइज सपोज 3 दे दिया, कॉमा नेम, कैप साइज सपोज 20 दे दिया इसका,
20 साइज, CREATE क्रिएट टेबल, टेबल नहीं स्टूडेंट रोल नंबर साइज 3 नेम कैर साइज सपोज 20 क्रिएट। यहाँ हमने जो टेबल का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था जिसकी वजह से वो कमांड रन नहीं कर रहा, अगेन हमने टाइप किया क्रिएट टेबल टेबल नेम, जब तक सही सिंटेक्स नहीं लिखेंगे उसका नहीं देगा मैसेज टेबल क्रिएटेड, सेमी कॉलम भी छूट जाएगा तो मैसेज आपको नहीं देगा, तो टेबल वी हैव क्रिएटेड। द नेक्स्ट कमांड जैसे कि हमें होता है डिस्क्राइब STUDENT1 स्टूडेंट 1, ये स्ट्रक्चर इसका बता दिया। अब हमको इसका इसमें कुछ रिकॉर्ड जैसे सपोज कीजिए आप एंट्री करना चाहते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले नहीं किया है, वैसे हम बता रहे हैं इसको इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 1 वैल्यूज 1, Raj 1 रिकॉर्ड इज क्रिएटेड। द नेक्स्ट कमांड इज इंसर्ट into table name student 1 values 2, Asif 2 record is created। तो दो record हमने एंट्री किया, यहाँ दो command हमने यूज कर रहे हैं, insert command यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो एक command यूज करेंगे हम आगे जाके select asterisk from स्टूडेंट 1, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रिकॉर्ड जो हमने टेबल क्रिएट किया था उसमें रिकॉर्ड एंट्री किया इंसर्ट कमांड जो DML में बताया जाएगा नेक्स्ट क्लास आपको, तो यहाँ पर दो रिकॉर्ड एंट्री कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ डिलीट कमांड, अब हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रंकेट कमांड, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल टेबल नेम, ये कमांड यूज करेंगे हम लोग जिससे डेटाबेस जो है जो आप बनाए सब खाली हो जाएगा उसका रिकॉर्ड। कैसे देखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट 1, अब देखिए क्या मैसेज दे रहा है, नो रोज आर सिलेक्टेड, कोई भी रो सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि ट्रंकेट से हमने पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया है। अब दूसरा कमांड मैं बताने जा रहा हूं, ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल टेबल नेम स्टूडेंट 1, ये देखिए ड्रॉप टेबल टेबल 1 टेबल नेम स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा पूरे टेबल को डिलीट कर दिया। अगर हमको देखना हो तो कैसे देखेंगे, select asterisk from tab, देखिए ये कमांड है select asterisk from tab, इस कमांड से हम लोग जितना भी डेटाबेस है सब देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर स्टूडेंट 1 करके है कहीं पर कहीं नहीं, क्या कमांड है select asterisk from tab, आपके डेटाबेस आपके हार्ड डिस्क को कितना मालूम करना है तो select asterisk from tab यूज करेंगे। तो जितना भी कमांड जो DDL का था हमने बताया, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ में आया होगा, जैसे आपने क्रिएट कमांड किया, अल्टर कमांड किया, ट्रंकेट कमांड किया, ठीक है, और आपने एक और आप इसमें कमांड यूज कर सकते हैं दैट इज ऑल्सो रीनेम कमांड, ऑल्सो यू कैन चेंज द नेम ऑफ द फाइल बाई यूजिंग रीनेम कमांड, जैसे स्टूड 1 है हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं रीनेम स्टूड 1 2 स्टूड 2, ये कमांड भी एक और बचा हुआ था स्टूड रीनेम कमांड जिसके थ्रू हम लोग टेबल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्लास समझ में आया होगा और आप जितने सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं
आप इसको कोशिश कीजिएगा घर में बैठ के प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम होगा आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।